Welcome students. Now this is my first lecture on entrance classes के लिए. Entrance classes में मैं shortcuts दिखाऊंगा आपको कि shortcut तरीके से आप questions को कैसे solve करेंगे. लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हर एक सवाल का shortcut नहीं होता है. लेकिन जिन जिन क्वेश्चनों को shortcut हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं ऐसे questions आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से दो मिनट में या एक मिनट के अंदर अंदर सवाल को सॉल्व करेंगे. जैसे इस किस्म के सवाल यूजुअली पूछे जाते हैं एंट्रेंस में, जेई मेंस में या आईआईटी एग्जाम्स में या जेई एडवांस में. तो मैं आपका सपोज डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करेंगे एंट्रेंस लेवल के क्वेश्चंस. देखिए मैं आपको एक सवाल लेता हूं जो बिल्कुल एंट्रेंस में आया है. जैसे ये मेरे पास सवाल है, x फैक्टोरियल x प्लस वन फैक्टोरियल x प्लस टू फैक्टोरियल x प्लस वन फैक्टोरियल x प्लस टू फैक्टोरियल x प्लस थ्री फैक्टोरियल x प्लस टू फैक्टोरियल x प्लस थ्री फैक्टोरियल x प्लस फोर फैक्टोरियल. और ये इसके ऑप्शंस हैं, ये सही है, ये सही है, ये सही है कि ये सही है. देखिए जब आप ये सवाल सॉल्व करने बैठेंगे, असली तरीका जो है ऑपरेट जब आप करेंगे इसको या प्रॉपर्टीज आप इसमें यूज करेंगे, इट विल टेक यू टाइम. इसमें तकरीबन 10 मिनट में इस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा कि इस किस्म के सवाल जो है वो आप आसान तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे. आप याद रखिए, आप x का वैल्यू या तो जीरो लगाइए या वन लगाइए, ये ऑप्शन में बताऊंगा. देखो हम क्या काम करेंगे, हम x का वैल्यू जीरो लगाएंगे. लेकिन पहले वो देखना है कि क्या हम जीरो लगा सकते हैं कि नहीं. जीरो लगाने से ये कहीं डिटरमिनेंट जीरो नहीं बनना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा वैल्यू लगाना है कि ये डिटरमिनेंट जीरो नहीं बनना चाहिए. तब हमारे ऑप्शन कंफ्यूजिंग हो जाएंगे, तब हमें दो ऑप्शन भी सही आ सकते हैं, जबकि जेईई मेंस में आपको यूजुअली एक ही ऑप्शन सही होता है. अगर मैं एक्स का वैल्यू जीरो लगाता हूं, देखो ये क्या बनेगा जीरो लगाने से, जीरो लगाने से ये बनेगा जीरो फैक्टोरियल, एंड यू नो जीरो फैक्टोरियल इज वन, सो इट इज वन. It is 0 plus 1 is 1 factorial, that is also 1. It is 2 factorial now there, and that is 2. अब मैं इसको 2 ही लिखता हूं. उसके बाद यहां it is 1, it is 2, it is 3 factorial. 3 factorial is 6, you know 3 factorial is 6. 3 factorial is 3 into 2 into 1, which is equal to 6. And this is again 0 plus 1, that is 2 factorial, that is 2. This becomes 3 factorial, that is 6. And this becomes 4 factorial. 4 factorial means 4 into 3 into 2 into 1, that is 12 into 2, that is 24. So, main iski jagah 24 likhta hu. Right? So, yes, question ye ban gaya. Kab ban gaya? By putting x is equal to 0. Yani x ko 0 put karne se mera ye answer aa gaya. Ab main is determinant ko expand karunga. Seedha hi, I will directly expand it. So, 1 into ये आएगा 48 माइनस 36 माइनस 1 इंटू 24 माइनस 12 देन प्लस 2 इंटू 6 माइनस 4. नाउ यू नो हाउ टू ऑपरेट दिस. दिस बिकम्स 12 एंड दिस आल्सो बिकम्स 12 एंड दिस बिकम्स 6 और 4 सब्ट्रैक्ट करके 2 आ जाएगा. 2 इंटू 2 हो गया 4 एंड योर आंसर इज 4. यानी आपका इस डिटरमिनेंट का आंसर 4 आता है कब, जब आप x का वैल्यू क्या लगाते हैं, जीरो. देखिए कैसे मैंने ये सवाल अभी तक यहां सॉल्व किया. आपको मिला कि इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो आपके पास 4 आ गया. अब मैं यही जीरो आंसर्स में लगाता हूं, जो आंसर मुझे वैल्यू देगा क्या 4, वही आंसर सही आंसर है. यानी अब मैं x का वैल्यू जीरो इन में लगाता हूं. जैसे मैं फर्स्ट ऑप्शन में लगाता हूं जीरो, यह आएगा जीरो फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल इज वन, सो ये 2 बन जाएगा और ये बनेगा 1, 2 into 1 बन जाएगा 2. इसका मतलब ये आंसर सही नहीं है, बिकॉज मेरा आंसर 4 आना चाहिए. राइट, अब आप x का वैल्यू यहां 0 दीजिए, ये बनेगा 2. जब आप यहां 0 देंगे ये बनेगा 1, जब आप यहां देंगे तो ये 2 फैक्टोरियल वो 2 बन जाएगा और वो हमारा आंसर 4 बन जाएगा. राइट, और वही 4 मेरे पास ही आ गया. इसका मतलब ये ऑप्शन सही है. क्लियर हो गया मेरा आंसर सही, दिस इज द राइट आंसर. लेकिन जब मैं यहां लगाता हूं, देखिए जब मैं यहां लगाता हूं x की जगह 0, so 0 factorial is 1, 2 into 1 becomes 2, और उसके बाद यहां जब मैं 0 लगाता हूं 3 factorial, that is 6, 6 2 is 12 बन जाता है, वो 4 नहीं है. इसका मतलब है ये आंसर भी सही नहीं है. राइट, फिर उसके बाद मैं यहां लगाता हूं x की जगह 0, ये 1 factorial 2 बनेगा,
वन फैक्टोरियल वो टू इंटू वो टू ही बन जाएगा, और यहां बनेगा टू फैक्टोरियल दैट इज टू फिर से, और फिर यहां पर बनेगा जब थ्री फैक्टोरियल दैट इज सिक्स, दैट बिकम्स 24. मेरा आंसर नहीं है, मेरा आंसर 4 होना चाहिए. दैट मीन्स ये आंसर भी सही नहीं है. इसका मतलब है मेरा एक ऑप्शन सही है, दैट इज द ऑप्शन नंबर 2. सो इस किस्म के सवाल जो है देखो कितने शॉर्ट तरीके से मैंने किया. एक तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उस एक्सप्लेन करने में मुझे टाइम लगा. अदरवाइज अगर मुझे आपको एक्सप्लेन नहीं करना होता ये, मैं एकदम विद इन 2 सेकंड्स 3 सेकंड्स इसका आंसर निकाल सकता हूँ. चलो जी 3 सेकंड नहीं, 5 सेकंड या 10 सेकंड में मेरा आंसर बिल्कुल मिल जाएगा एकदम. इस किस्म के सवाल जो है सारे ये जेईई मेंस के क्वेश्चन है, और ये आया है एग्जाम में, ये प्रीवियस पेपर्स का क्वेश्चन है कि आप इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे विदाउट अप्लाइंग द जनरल रूल्स. जो असली रूल्स है डिटरमिनेंट सॉल्व करने के, वो रूल आपको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि आपको आपको आंसर चाहिए, आपको प्रोसीजर नहीं चाहिए. लेकिन जब आप ये सवाल बोर्ड एग्जामिनेशन में करते हैं, चाहे सीबीएसई में या जेईई के बोर्ड ऑफ एजुकेशन के पेपर्स में होता है, तब आपको ये मेथड इस्तेमाल नहीं करना है. तब आपको पूरा प्रॉपर्टीज अप्लाई करके आपको ये ऑप्शन दिखाना है कौन सा सही है. लेकिन यहां पर हम ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं. देखिए अब मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है. देखिए ये है b² + c² a² + a² b² + c² + a² b² + c² + a² ये आपको सॉल्व करना है. अगर आप ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको एक तरीका है, यू नो आपको प्रॉपर्टीज यूज करने हैं, और प्रॉपर्टीज की मदद से आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन मैं ये प्रॉपर्टीज की मदद से सवाल सॉल्व नहीं करूंगा, मैं इसे शॉर्टकट यूज करूंगा. अब शॉर्टकट में मैंने अभी कहा यू कैन यूज 0 और 1, लेकिन मसला है उसमें भी मैंने आपको बताया 0 और 1 आप तब इस्तेमाल करेंगे कि जब डिटरमिनेंट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. अगर मैं वैल्यू 0 लगाता हूं, सपोज ए का वैल्यू मैं 0 लगाऊंगा 2 मिनट के लिए, ठीक है, अगर मैं 0 लगाऊंगा तो यहां 0, ये तो आंसर 0 आ जाएगा, ये आंसर भी 0 आ जाएगा, ये आंसर भी 0 हो जाएगा, ये आंसर भी 0 हो जाएगा, आपको आंसर करेक्टली नहीं मिल सकता है, राइट. इसलिए मैं यहां पर ये चीज नहीं करूंगा. देखिए मैं क्या काम करूंगा, आई विल पुट ए इज इक्वल टू 1, B is equal to 2 and C is equal to 3. मैं ये चीज लगाऊंगा, A is 1, B is 2, C is 3. यानी ऐसे वैल्यूज में लगाऊंगा जिससे मेरा आंसर 0 नहीं होना चाहिए या डिटरमिनेंट 0 नहीं बनना चाहिए, उससे मेरा कंफ्यूजिंग आंसर आ जाएगा. उस वक्त मुझे 2 या 2 से ज्यादा आंसर सही आ जाएंगे, लेकिन मेरा तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर 1 होता है. इसलिए मैंने A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 2, C का वैल्यू 3 लगा दिया, और मेरा डिटरमिनेंट क्या बनेगा, अगर मैं A की जगह 1 लगाऊंगा तो B की जगह 2 और C की जगह 3, ये बनेगा 4 + 9 दैट इज 13, और ये बनेगा A की जगह 1, वो 1 हो गया, यहां पर भी 1 हो गया. देखिए B स्क्वायर हो गया 4, 3 स्क्वायर हो गया 9, 9 और 4 होंगे 13. अब आइए B स्क्वायर हो गया 4, C² + A² 9 + 1 हो गया 10, उसके बाद B² दैट इज 4, नाउ C² इज 9 देन A² + B² दैट विल बिकम 5. देखिए बन गया डिटरमिनेंट. अब मैं इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करता हूं, आई विल सॉल्व दिस डिटरमिनेंट. देखिए कैसे मैं डिटरमिनेंट को नॉर्मली मैं सॉल्व करूंगा, जनरल मेथड से मैं सॉल्व करूंगा. सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, दैट इज 13 × 50 - 36 देन -1 × 20 - 36 देन +1 × 36 - 90, और मेरा आंसर आएगा 13 × 14 देन -1 × -16 then +1 × -90 - 36. 90 में से जब मैं 36 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ये आएगा 4, 8 में से फिर तो 54, तो ये -54 आ जाएगा. सो इट विल बी इक्वल टू, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 13 × 14, और ये बन जाएगा 16, और ये बनेगा 54. ये देखिए 13 × 14 कितना होता है, अगर जबानी पता है तो जबानी कीजिए, नहीं पता है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं. राइट. सो इसका मतलब है जब मैं ए का वैल्यू 1 लगाऊंगा, बी का वैल्यू 2 लगाऊंगा और सी का वैल्यू मैं 3 लगाऊंगा, मेरा आंसर 144 आना चाहिए. अब मैं A1, B2, C3 इनमें मैं डालता हूं, मैं देखूंगा कौन सा आंसर मुझे 144 देगा. जैसे मैं यहां लगाऊंगा, पहले में जब मैं लगाऊंगा A की जगह 1, B की जगह 2, C की जगह 3, वो तो 6 देगा, विच इज नॉट इक्वल टू 144, इसका ये आंसर सही नहीं है.
आप देखिए 4 इंटू ए की जगह 1, बी की जगह 2, सी की जगह 3, दे हो गया 6, दैट इज 24, विच इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर. ना 4 टाइम्स ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह 1, बी स्क्वायर की जगह 4, 3 स्क्वायर की जगह 9, 9 दैट इज इक्वल टू 144, बिकॉज 4 4s आर 16, 16 टू 9 बिकम्स 144. दैट मीन्स दिस आंसर इज माई करेक्ट आंसर, दैट मीन्स दिस इज द राइट ऑप्शन. और ये राइट ऑप्शन नहीं है क्योंकि ए की जगह जब आप लगाएंगे 1 तो हो गया 1, 4 into 9, that will become 36, which is not the correct answer, right? Mera answer 144 aana chahiye, that is the C option is the right option. This is how to solve this type of a question. Ab main ek aur example bhi leta hu. Dekhiye ab ek aur example main, third example main dunga. Jaise ye thoda different question hai. If P times, if P hai, P lambda raised power 4, Q lambda cube, R lambda square, S lambda plus T. अगर ये सारा है इस डिटरमिनेंट के बराबर, इस डिटरमिनेंट के बराबर, आप मुझे बताइए इस टी का वैल्यू क्या है, फिर इस टी का वैल्यू क्या है. क्योंकि देखिए ना, ये इसमें तो टी कहीं नहीं है, इसमें तो सिर्फ लेमडा है, इसलिए आंसर हमारा सारा लेमडा में आना चाहिए, राइट. तो कहता है क्वेश्चन कि अगर ये और ये बराबर है, आप बताइए और टी का वैल्यू क्या है. क्या ऑप्शन टी का वैल्यू 16 है, क्या 18 है, क्या 17 है, क्या 19 है. हम इस क्वेश्चन को भी शॉर्टकट से कर सकते हैं. देखिए हम क्या काम करेंगे, हम लैम्डा को कोई वैल्यू देंगे, जैसे मैंने अभी बताया यूजुअली हम वैल्यू देते हैं 0 या 1. चलिए अगर हम लैम्डा को 0 देंगे, विल सी व्हाट विल हैपन. इफ वी पुट लैम्डा इज इक्वल टू 0, जरूरी नहीं है लैम्डा का वैल्यू 0 देना, लेकिन अब 0 देने से यह थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन. जब आप लैम्डा को 0 देंगे, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, वहां क्या बचेगा, वहां टी बचेगा, सिर्फ टी बचेगा. एंड दैट टी विल बिकम इक्वल टू देन, ये टी बन जाएगा, लेमडा को यहां भी 0 दीजिए तो ये 0 बन जाएगा, लेमडा को 0 माइनस 1 बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, माइनस 4 बन जाएगा, यहां माइनस 3 बनेगा, 4 बन जाएगा और यहां 0 बन जाएगा. देखो जहां जहां लेमडा है मैंने 0 वैल्यू लगा दी है, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी. अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जब मैंने वैल्यू लेमडा का 0 लगाया, मेरे पास टी का वैल्यू फिर जनरल ये होना चाहिए. अब मैं इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करता हूं, ये आएगा 0 प्लस 16 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 12, देन प्लस 3 इंटू 4 प्लस 6. अब यू नो द प्रोसीजर, ये तो सारा 0 हो जाएगा क्योंकि सामने 0 है, ये बनेगा माइनस 12 प्लस 30, माइनस 12 प्लस 13 बनता है 18. इसका मतलब है टी का वैल्यू फिर 18 होना चाहिए, दैट मीन्स this is the right option, this is the right option. That means the value of t jo mujhe nikalna tha, then t is, then t is, then the value of t should be equal to 18. dekho kitna solve ho gaya simple tarike se. otherwise kya karna tha, otherwise is pure determinant ko expand karna tha. agar hum long procedure dekhte, is determinant ko expand karna tha, ye jo answer aa jata wo is type ka koi cheez aata, fir hum dono ko compare karte, compare se hame t ka value mil jata, lekin wo ek lengthy process tha, उसमें हमें 10 मिनट लग जाते हैं. लेकिन जब हमने ऐसा क्वेश्चन किया, हमें 10 सेकंड, 10-12 सेकंड में हमारा आंसर मिल गया. देखिए आप, फिर से मैं आपको एक और एग्जांपल लूंगा, दैट विल बी माय फोर्थ एग्जांपल. सी व्हाट इज अ फोर्थ एग्जांपल. एक डिटरमिनेंट है आपके पास, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 8, देन x प्लस 7, देन x प्लस 10 एंड x प्लस 14. कहते हैं इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है, क्या इसका वैल्यू 2 है, क्या माइनस 2 है, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, कि नॉन ऑफ द अबव है. देखो फिर से हम इस क्वेश्चन को दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं. एक तो हो गया हम इस डिटरमिनेंट को पूरा एक्सपेंड करेंगे जैसे हम करते हैं, बाय अप्लाइंग प्रॉपर्टीज, बाय डायरेक्ट मेथड, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा. लेकिन बेटर है कि आप एक्स का कोई वैल्यू लगा दीजिए, यू पुट एक्स इज इक्वल टू 0. अगर आप एक्स का वैल्यू 0 देंगे, यहां लगाइए 0, देखो इसको तो कुछ नहीं होगा, ये तो 2 ही रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये माइनस 2 बन जाएगा, और ये नॉन ऑफ द अबव है तो छोड़ दीजिए इसको. यू पुट x इज इक्वल टू 0, व्हाट विल हैपन टू द डिटरमिनेंट, इट विल बी 1, 2, 4, देन इट विल बी 3, 5 एंड 8, इट विल बी 7, 10 एंड 14. ये तो बन जाएगा. जब ये मेरे पास ये डिटरमिनेंट बन जाएगा, मैं इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करूंगा. ठीक, बाय एक्सपेंडिंग व्हाट आई विल गेट, आई विल गेट 1 इंटू 70 माइनस 80, देन माइनस 2 इंटू, माइनस 2 इंटू, दिस इज
42 माइनस 56 देन प्लस 4 इंटू 30 माइनस 35 सो आपके पास आ जाएगा इट विल बी -10 इट विल बी -2 इंटू 56 में से आप 56 में से आप 42 सब्ट्रैक्ट कीजिए इट विल बी 14 सो इट विल बी -14 देन आफ्टर दैट इट विल बी 4 इंटू -5 सो द रिजल्ट विल बी -10 प्लस 28 माइनस 20 दैट विल बिकम -30 प्लस 28 and that will become -2 that will become -2 so my answer is -2 magar my answer is -2 once x is equal to 0 ab main x ka value isme 0 lagata hu kya ye answer sahi hai na because this is 2 this is -2 kya ye answer sahi hai rukiye kya ye answer sahi hai dekho -2 tab answer hai jab yahan x hai dekho yahan x hai isliye answer in terms of x aana chahiye इसका मतलब x में आंसर आना चाहिए क्योंकि x सवाल में भी है क्वेश्चन में भी x है इसलिए हम यहां पर भी x की जगह 0 लगाएंगे क्योंकि हमने x को वैल्यू यहां भी लगाया और आंसर में भी 0 लगाएंगे जब हम आंसर में 0 लगाएंगे इट विल बिकम 0 - 2 एंड दैट विल बिकम -2 सो दैट मींस दिस आंसर इज द करेक्ट आंसर देखो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है इसलिए ये सही है ये सही नहीं है ये क्यों सही नहीं है ये आंसर -2 है ये आंसर -2 है ये हम मानते हैं -2 ही लेकिन हमें -2 कब निकला आंसर जब यहां x कहीं नहीं है लेकिन यहां तो x भी है ना इसलिए आंसर आएगा जरूरी इन टर्म्स ऑफ x इसीलिए मैंने x का वैल्यू इसमें भी 0 लगाया इसलिए दिस इज राइट आंसर सो देखिए किस तरीके से हमने एक सही आंसर निकाला एक शॉर्टकट तरीके से विद इन 10 सेकंड्स हमने आंसर निकाल दिया नाउ एक और सवाल क्वेश्चन नंबर 5 ये भी डिटरमिनेंट का सवाल है लेकिन सवाल थोड़ा डिफरेंट है इसमें दोनों साइड से डिटरमिनेंट है देखिए ये डिटरमिनेंट इज इक्वल टू k टाइम्स दिस डिटरमिनेंट कहता है ये जो डिटरमिनेंट है This is k times this determinant. Then the value of k is आपको सिर्फ बताना है इस k का वैल्यू क्या होना चाहिए क्या k का वैल्यू 2 होना चाहिए 3 होना चाहिए 4 होना चाहिए वट एवर इट इज ये ऑप्शंस नीचे दिए हैं k का वैल्यू 1 है k का वैल्यू 2 है k का वैल्यू 3 है और k का वैल्यू 4 है आपको बताना है कि इन वैल्यूज में सही ऑप्शन क्या है देखो हम क्या काम करेंगे हम फिर से यही मेथड यूज करेंगे हम देंगे वैल्यू सपोज यू पुट a इज इक्वल टू से 0 b इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू सम ये भी वन रखिए कोई बात यू कैन रिपीट द वैल्यू कैन गिव एनी वैल्यू जितना हम छोटा वैल्यू देंगे उतना हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनेगा हमारा ऑप्शन मगर निकल जाएगा जरा इसमें डाल दीजिए आप ए का वैल्यू 0 जब आप ए का वैल्यू 0 लगाएंगे बी का 1 और सी का 1 तो ये 1 ही आ जाएगा बी का 1 और सी का 1 ये 2 बन जाएगा सी का 1 और ए तो ये तो 1 ही बन जाएगा और इसी तरह से b का 1 लगाना है और c का लगाना है 1 तो ये 2 बन जाएगा c plus a will be 1 and a plus b will also be 1 then c plus a will be 1 a plus b will be 1 and b plus c will be 2 and on the other side k times अब आप दूसरे साइड से भी देखिए k times इधर भी यही वैल्यूज लगा दीजिए a का वैल्यू आप लगाते हैं 0 0 1 1 फिर 1 1 and 0 देन 1 0 एंड 1 देखिए ऐसे हो गया राइट अब आप ये डिटरमिनेंट एक्सपेंड कीजिए ये वाला तो ये आएगा 1 टाइम्स 2 माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स 4 माइनस 1 देन प्लस 1 टाइम्स दिस विल बी 2 माइनस 1 ओके दिस इज के टाइम्स ये भी आप एक्सपेंड कीजिए के बाहर ही रखिए दिस इज 0 टाइम्स 0 टाइम्स 1 माइनस 0 माइनस 1 टाइम्स 1 - 0 + 1 - 0 - 1 अब थोड़ा सा यहां पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 - 1 तो 1 होता है तो यहां से 1 लिखेंगे उसके बाद 4 - 1 = 3 3 × 2 = 6 हो गया -6 आता और 2 - 1 = 1 1 × 1 = 1 हो गया 1 देन k टाइम्स अब आप यहां आ जाइए 0 × something = 0 ये हो गया -1 और -1 तो ये बनेगा -1 एंड -1 अब उसके बाद ये बनेगा -4 = -2k That means k का वैल्यू फिर 2 आ जाएगा then the value of k should be 2 फिर आप ऑप्शंस देखेंगे ऑप्शन में देखो 1 इज द ऑप्शन 2 इज द ऑप्शन सो b ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन सो हमारा जो ऑप्शन है दैट इज द b ऑप्शन देखो कितना सिंपल तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने यहाँ वैल्यूज लिए a का 0 b का 1 c का 1 इसलिए लिया ताकि आपका जो ये डिटरमिनेंट है ये थोड़ा हल्का हो गया अगर हम बड़े बड़े वैल्यूज देंगे ये डिटरमिनेंट कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा तब भी आंसर मिलेगा हमें बिल्कुल यही आंसर मिलेगा लेकिन हमारा डिटरमिनेंट जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो हम
आसान बनाने के लिए मैंने छोटे से वैल्यूज लिए और मैंने एक वैल्यू इसमें जीरो लिए। लेकिन जीरो लेने से पहले ये देखना है कि अगर मैंने वैल्यू जीरो लिया यहाँ ए का, कहीं डिटरमिनेंट जीरो तो नहीं बन रहा है सारा, इसका कोई रो पूरा जीरो तो नहीं बन रहा, या कोई कॉलम तो नहीं जीरो बन रहा। अगर कोई डिटरमिनेंट का कोई भी रो या कोई भी कॉलम जीरो पूरा बन जाता है, उस वैल्यू का ही उसका जीरो हो जाता है और हमारा ऑप्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए मैंने ये तरीका यूज किया। अब आइए क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। देखिए सिक्स क्वेश्चन मैंने फिर से डिटरमिनेंट का ही लिया। ये डिटरमिनेंट है ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी वगैरह करके आपको बताना है कि क्या ये ऑप्शन सही है, क्या ये जीरो इसका आंसर है, क्या ये आंसर है कि ये आंसर है। आपको देखना है कि इन आंसरों में कौन सा आंसर बिल्कुल सही है। देखो अगर मैं फिर से यही मेथड यूज करूंगा जो मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया, चलिए मैं ले लूंगा ए का भी वन वैल्यू, बी का भी वन वैल्यू और सी का भी वन वैल्यू, यानी पुट ए इज वन, बी इज वन एंड सी इज वन। चलिए मैं सब मैं वन 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 ही लेता हूँ वैल्यू, मैं देखूंगा क्या बन जाएगा वन 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 देने से। जरा आप देखिए वन 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 देने से यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा थ्री, ये बनेगा माइनस वन, ये बनेगा माइनस वन, ये बनेगा माइनस वन, ये बनेगा थ्री, ये बनेगा माइनस वन, माइनस वन, माइनस वन एंड थ्री। अब मैं इस डिटरमिनेंट को ऑपरेट करता हूँ, जब मैं डिटरमिनेंट को ऑपरेट करता हूँ तो मैं लिखूंगा थ्री टाइम्स नाइन माइनस वन, देन प्लस वन टाइम्स माइनस थ्री माइनस वन, देन माइनस वन टाइम्स, ये बनेगा वन प्लस थ्री, दिस इज एट, थ्री जर 24, देन माइनस फोर, देन माइनस फोर, दैट विल बिकम 24 माइनस एट, दैट विल बी 16, सो माय आंसर इज 16। सो ये चीज पुट करने से डिटरमिनेंट का वैल्यू 16 आता है। अब मुझे देखना है यही वैल्यूज अगर मैं ऑप्शंस में सब चूट करूं कौन सा वैल्यू मुझे 16 देगा, क्या ये 16 है? नहीं, इसका मतलब ये आंसर हो ही नहीं सकता। जरा यहां लगाइए, ए की जगह वन, बी की जगह वन, सी की जगह वन, वन प्लस वन प्लस वन विल बिकम थ्री, थ्री क्यूब इज 27, तो ये ऑप्शन सही नहीं है, मेरा ऑप्शन 16 आना चाहिए। जरा आप इसमें लगाइए सी ऑप्शन में, देखिए सी में क्या आएगा, टू इंटू वन प्लस वन, देन वन प्लस वन, देन वन प्लस वन, इट विल बिकम टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, दैट विल बिकम 16, बिकॉज टू टू जर फोर, फोर फोर जर 16, सो दिस इज द राइट ऑप्शन, सो दिस इज माई ऑप्शन। इसका मतलब है इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू सी। देखो अगर आप देखेंगे ऐसा सवाल सीबीएसई बोर्ड में भी आता है, वहां होता है प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस थिंग, लेकिन आप ये मेथड यूज नहीं करते हैं, आप वहां बिल्कुल प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, एक लॉन्ग प्रोसीजर यूज करते हैं, तो उसमें टाइम होता है, लेकिन यहां आपको विद इन 10-20 सेकेंड्स में ये सवाल सॉल्व करना है एंट्रेंस में, क्योंकि आपको सिर्फ ऑप्शन चाहिए, एकदम आप फोकस उसी ऑप्शन को करते हैं और आपका आंसर सही होता है, राइट? सो आई विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए एक और सवाल, देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सिंपल है, ये डिटरमिनेंट किसके बराबर है, ये डिटरमिनेंट किसके बराबर है, यानी इसमें भी हम यही मेथड यूज करेंगे। अगर हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू से 1, y इज ऑल्सो 1 एंड z इज ऑल्सो 1, चलिए 1 1 1 ही लगाते हैं, जीरो नहीं लगाएंगे, चलिए वो भी लगा सकते थे, जीरो भी लगा सकते थे, देखिए अगर हम जीरो लगाएंगे उससे क्या होता है कि ये जीरो लगाने से ये सारा जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो बन जाएगा, ये यानी तीन ऑप्शंस एक जैसे हो जाएंगे, तो हमारा जो ऑप्शन है वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, हमारा सही आंसर पूरी तरह से नहीं निकलेगा। इसलिए मैंने x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, z का वैल्यू 1 लगा दिया, तो ये डिटरमिनेंट क्या बनेगा, ये बनेगा 1 1 1, ऐसे ही 1 2 एंड 1 1 1 एंड 2। अब इसको एक्सपैंड कीजिए, दिस इज 1 into 4 minus 1, देन -1 into 2 minus 1, then +1 into 1 minus 2, that will be equal to 3 minus 1 minus 1, that means 3 minus 2, that will become equal to 1, देखिए वो बनना जाएगा, यानी मेरा आंसर 1 हो गया। कब मेरा आंसर 1 है, जब x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 1 है, z का वैल्यू 1 है। अब मुझे देखना है कि इन ऑप्शनों में मुझे कौन सा वैल्यू 1 देता है, मेरा आंसर 1 आना चाहिए, क्या ये देता है? नहीं, जब मैं x का वैल्यू 1 लगाऊंगा, y का भी 1 लगाऊंगा, z का भी 1 लगाऊंगा, 1 plus 1 plus 1 is 3, 3 plus 1 is 4, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। जब मैं x का वैल्यू 2, यहाँ 1 1 1, तो वो 2 बन जाएगा, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है, राइट? क्योंकि मेरा आंसर 1 आना चाहिए। जब मैं यहाँ 1 लगाऊंगा, 1 into 1 का square 1 1 का square 1 1 का square 1, तो ये मुझे 1 आता है, सो दिस इज द राइट आंसर, और ये मुझे 1 नहीं देता है। देखो 1 square is 1 1 square is 1 1 square is 1, द ऑप्शन इज 1, बट मल्टीप्लाई बाय 2 इट बिकम्स 2, सो ये ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए मेरा ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, तो मैं कहूंगा कि सवाल का जो आंसर है दैट इज इक्वल टू सी ऑप्शन, राइट?
नाउ आई विल कम टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आइए एक और सवाल है, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस पे. अगर आपको याद है आपने किया है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिसेस, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग डिटरमिनेंट्स. आपने डिटरमिनेंट की मदद से भी इक्वेशंस को सॉल्व किया है और मैट्रिसेस की मदद से भी सॉल्व किया है. लेकिन मेरे पास सवाल जो है द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, आप बताइए एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या है इन ऑर्डर, बट फर्स्ट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स, देन वैल्यू ऑफ वाई, एंड देन वैल्यू ऑफ जेड. इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये और ये तीन इक्वेशंस है, कि उन तीनों इक्वेशंस का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन क्या है, क्या ये इनका सॉल्यूशन है, क्या एक्स का वैल्यू 2 है, वाई का 1 और जेड का 5, कि ये है कि ये है कि ये है, आपको सही ऑप्शन बताना है. देखो मैं यहां एक चीज करता हूं, मैं यहां पर डिटरमिनेंट मेथड ना ही मैं मैट्रिसेस मेथड यूज करूंगा, मैं डायरेक्टली ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करता हूं. मैं शॉर्टकट मेरा यही है, मैं देखूंगा चलो ये आई विल चूज दिस आंसर, मैं कहूंगा चलो ये आंसर सही होगा. इट इज एज्यूम एक्स का वैल्यू 2, वाई का 1 और जेड का 5 लगा दीजिए इसमें पहली वाली इक्वेशन में, तो क्या बनेगा 3 × 2 प्लस वाई इज 1 एंड 2 × 5 दैट विल बिकम 6 + 1 प्लस 10 दैट इज 17. मगर मेरा ऑप्शन यहाँ आंसर 3 होना चाहिए which is not equal to 3, that is first option, sahi option nahi hai. Now I will come to the second one. X ka 1, Y ka 1, Z ka 1. Laga dijiye isme 3 × 1 + 1 + 2 × 1, that is 2. That is 3 + 3, that will become 6. Wo 3 ke barabar nahi, iska matlab hai that is not equal to 3. So second option bhi sahi nahi hai. Right? Phir hum aayenge third option pe. X ka 1, lagaiye 1, that is 3. Y ka 2, minus 2. Z ka minus 2, ye bhi ban jayega. That will become 3 minus 4, which will become minus 1, which is not equal to 3. इसका मतलब है ये option भी सही नहीं है. अब आप fourth option पे आइए. X का value 1 डाल दीजिए, हो गया 3. Y का 2 लगा दीजिए और यहाँ minus 2. ये बनेगा 5 minus 2, वो 3 बन जाता है. देखिए वो 3 आ गया. इसका मतलब है ये option सही है. मगर ये किस equation में हो गया? First में. You can check it in the second. You can check it in the third. ये सेकंड में भी, थर्ड में भी सब शूट हो जाएगा. देखिए थर्ड में अगर एक्स की जगह 1 लगाएंगे, वाई की जगह ये 4 बन जाएगा, ये माइनस 1, ये बनेगा 5 माइनस 1, वो भी 3 बन जाता है. देखो सेकंड इसमें भी, सॉरी दैट इज 4, हियर इट इज 4, यहाँ ये 4 है. देखिए तो इसका मतलब है इसमें भी ये सेटिस्फाई हो जाता है और ये इसमें भी सेटिस्फाई हो जाएगा. दैट मीन्स इट सेटिस्फाइज इन ऑल द 3 इक्वेशंस. दैट मीन्स दिस इज द साइमल्टेनियस सॉल्यूशन. दैट मीन्स डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. दिस इज हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ये शॉर्टकट्स हैं. एंट्रेंस में मैं नेक्स्ट लेक्चर में शॉर्टकट्स दिखाते रहूंगा, एक और टॉपिक में लूंगा, लेकिन मैंने आज दिखाया आपको कि डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चंस आप शॉर्टकट से कैसे सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको बहुत टाइम लगेगा क्योंकि एंट्रेंस में आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता और सिर्फ ऑप्शंस को टिक करना पड़ता है.